गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है DBMS, उसका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो उसका जो लास्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम, ठीक है। आ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस दोज डाटा, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड, एक दूसरे जो इंटरलेटेड डाटा होता है और सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो उसको एक्सेस किया जाता है डाटा को। द कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटाबेस, ठीक है। जो इकट्ठा किया हुआ डाटा है, जो कलेक्शन होती है डाटा की, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? डाटाबेस विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू एंटरप्राइज, ठीक है। जो जिस जिस चीज़ का हमें डाटा चाहिए होता है, जैसे किसी स्टूडेंट का चाहिए होता है तो उसके रेलिवेंट ही होगा, ठीक है। स्टूडेंट का आईडी कार्ड होगा, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, ऐसे। द मेन गोल ऑफ DBMS टू प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटाबेस, ठीक है। मेन क्या है, जो उसका मकसद गोल क्या है DBMS का, कि प्रोवाइड करना है वे कैसे स्टोर किया जाता है और रिट्रीव किया जाता है डाटा। नेक्स्ट ये डायग्राम है, आप ये डायग्राम कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे इसके जो फोर कंपोनेंट्स होते हैं डाटा, फर्स्ट पॉइंट है आपका डाटा, सेकंड डाटा हार्डवेयर, सेकंड है हार्डवेयर, थर्ड सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। डाटा में क्या आता है? डाटा आपको बताया ये कि जो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, कंबाइंड टू बी स्टोर्ड एट अ सेंट्रल प्लेस विच इज़ द बेसिस ऑफ एनी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे एडमिशन के टाइम जैसे हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेते हैं ना, फीस की डिटेल बनाते हैं, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, वैसे ही इट इज़ दैट कॉम्पोनेंट फॉर द whose management and data the DBMS works. It is important and essential component and is the core of any organization and its activity. ठीक है, कोर होती है ऑर्गेनाइजेशन की और इसकी जो एक्टिविटी होती है उसके बेसिस पे हम डाटा सेव करते हैं ना कोई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हार्डवेयर। द हार्डवेयर कॉम्पोनेंट ऑफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर वन क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क जैसे होती है, ठीक है, विच आर यूज टू होल्ड लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा टूगेदर विद एसोसिएटेड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डिवाइस कंट्रोलर और इनपुट आउटपुट चैनल सो ऑन, ठीक है। इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को भी यूज़ किया, जैसे पेन ड्राइव भी होती है, मैग्नेटिक टेप होती है, हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, उसके, क्योंकि हम कहते हैं ना, जैसे फ़ोन में भी हमारी मेमोरी फिल हो जाए तो हम कहते हैं कि कुछ डाटा हम पेन ड्राइव में डाल लें, है ना। कंप्यूटर की भी ऐसे ही जो होता है तो सेकेंडरी डिवाइस में डाल लिया जाता है, बैकअप हम कैसे ले लेते हैं आजकल, हार्ड डिस्क में ले लेते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? द हार्डवेयर प्रोसेसर एंड एसोसिएटेड मेन मेमोरी दैट आर यूज टू सपोर्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डाटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर प्रोसेसर क्या करता है? मेन मेमोरी दैट आर यूज टू सपोर्ट करती है एग्जीक्यूशन ऑफ डाटाबेस, ठीक है। एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है उसको, डाटाबेस सॉफ्टवेयर सिस्टम। नेक्स्ट आ गया सॉफ्टवेयर। बिटवीन द फिजिकल डाटाबेस इट्सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल द डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड एंड द यूजर ऑफ द सिस्टम इज अ लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर नॉन एज डाटाबेस मैनेजर और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑल रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू डाटाबेस एंड हैंडल बाय द DBMS, ठीक है। क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एक होता है बिटवीन द फिजिकल डाटाबेस इट्सेल्फ, ठीक है। फिजिकल डाटाबेस होता है और फिजिकली इसे स्टोर किया जाता है यूजर के द्वारा, ठीक है। लास्ट में आ गया यूजर। दिस कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ यूजर्स हु ड्राइव द बेनिफिट ऑफ गेटिंग देयर वर्क डन बाय DBMS। जैसे यूजर कौन होता है? हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, जो इसको डिज़ाइन करते हैं, जो कुछ भी है, वो यूज़र होते हैं जिसको यूज़ करते हैं। सो दे हैव द रिक्वायर्ड डाटा
एंड इंफॉर्मेशन विद देम फॉर डिसीजन मेकिंग. उनको क्या चाहिए होता है, डाटा चाहिए होता है ना, रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, इसके क्या पॉइंट है, डाटाबेस डिजाइनर. यूज़र कितने टाइप के होते हैं ये भी आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ यूज़र एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूज़र. अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, जैसे यूज़र कितने टाइप के होते हैं, तो फोर टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है डाटाबेस डिज़ाइनर एंड यूज़र, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिस्टम एनालिसिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स. ये जो आपको पीछे के टॉपिक में करवाया था ना, उसमें भी है ये डिटेल में. ठीक है, आप पढ़ लेना, ये आपका लास्ट टॉपिक था. आई होप आपको समझ आ गया होगा.